किस वजह से गई हार्दिक पांड्या की कप्तानी? दरअसल हार्दिक पांड्या ना T20 के कप्तान है, ना ODI के कप्तान है, और ना ही T20 और ODI दोनों के ही वाइस कैप्टन है। तो हार्दिक पांड्या के ऊपर ये गाज क्यों गिराई है BCCI ने, इसका एक सटीक कारण मिल चुका है। चलिए क्या है वो कारण आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन स्पोर्ट्स में। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा पांडे। भारत और श्रीलंका के बीच में 3 T20 और 3 ODI मैचों की सीरीज का आगाज 27 जुलाई से हो जाएगा, जहां पर पहले भारत को श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलने हैं। उसके बाद अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ 3 ODI मैचेस भी खेलने हैं, जिसके लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। T20 और ODI दोनों के ही स्क्वाड आ चुके हैं। T20 में सूर्यकुमार यादव आपको कप्तानी संभालते हुए, कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। शुभमन गिल वाइस कैप्टन है। ODI सीरीज में आपको रोहित शर्मा कप्तान और शुभमन गिल वाइस कप्तानी यानी उप कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। इन दोनों ही स्क्वाड में हार्दिक पांड्या का T20 स्क्वाड में नाम जरूर है। ODIs के लिए हार्दिक पांड्या ने खुद से एक फैमिली इशू बताते हुए रेस्ट मांगा था, लेकिन दोनों ही स्क्वाड में हार्दिक पांड्या का नाम के आगे वाइस कैप्टन नहीं लगा है, ना ही कैप्टन लगा है, क्योंकि सूर्या वर्सेस हार्दिक चल रहा था कि किसको कप्तानी मिलेगी। सूर्या ने बाजी मार ली और उनको T20 की कप्तानी मिल गई। आप सोचिए, हार्दिक पांड्या का अभी डिवोर्स हुआ है, अभी उन्होंने डिवोर्स का ऐलान किया, उसके बाद स्क्वाड में उनको वाइस कैप्टन नहीं बनाया गया, टीम इंडिया में वाइस कैप्टन नहीं बनाया गया। सारी तरफ से जो मुसीबतें हैं, जो दुविधाएं हैं, वो हार्दिक पांड्या के कंधे पर आ गई है। अब इसका कारण जो है ये बताया जा रहा है कि क्यों उनको वाइस कैप्टनसी नहीं दी गई या फिर कप्तानी नहीं गई। दरअसल IPL 2024 में एक मैच आपको याद होगा, जब तिलक वर्मा पर हार का ठीकरा फोड़ दिया था हार्दिक पांड्या ने। ड्रेसिंग रूम में जब हार्दिक पांड्या गए थे तो तिलक वर्मा के साथ उनकी थोड़ी झड़प हो गई थी, कहा सुनी हो गई थी, इतना ज्यादा बात बढ़ गई थी कि मुंबई इंडियंस के जो स्टाफ मेंबर्स है उनको बीच में आना पड़ा, कोच को बीच में आना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हार्दिक पांड्या ने पूरा जो हार का ठीकरा है वो तिलक वर्मा पर फोड़ दिया था, जबकि तिलक वर्मा एक ऐसे बल्लेबाज हैं मुंबई के जो इस साल बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्म करे हैं IPL 2024 में, और उन्हीं पर उन्होंने हार का ठीकरा फोड़ दिया। तो लोग अब कह रहे हैं कि उस टाइम से ही रोहित शर्मा या फिर मैनेजमेंट के दिमाग में ये बात आ गई थी कि भाई ये खिलाड़ियों के साथ अच्छे से कोप अप नहीं कर सकता। सूर्यकुमार यादव का भले ही कप्तानी का जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छा ना हो, लेकिन बावजूद इसके सूर्यकुमार यादव टीम को पिरोना जानते हैं, चलाना जानते हैं, जो हार्दिक पांड्या से नहीं हो पाएगा। हार्दिक पांड्या का शमी के साथ भी बहुत ज़्यादा सीन हो गया था, शमी के साथ भी सिचुएशन हो गई थी उनकी खड़ी, अब तिलक वर्मा के साथ। तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हार्दिक पांड्या को जो टीम मेट्स है उतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे। और अगर आप अच्छे कप्तान हैं तो आप लीडर भी अच्छे हैं, ज़रूरी ये बात नहीं है। इसीलिए सूर्यकुमार यादव में लीडरशिप क्वालिटी भी है और कैप्टनसी वाली क्वालिटी भी है, इसीलिए उनको ज़्यादा तरजीह दी गई है। तो हार्दिक पांड्या की जो कैप्टनसी है या जो वाइस कैप्टनसी है वो रोहित शर्मा या गौतम गंभीर या किसी और की वजह से नहीं, बल्कि तिलक वर्मा वाले एपिसोड की वजह से गई है, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था कि यहाँ से हम लोग हार्दिक पांड्या को आगे नहीं देख रहे। अगर हार्दिक पांड्या अपने जूनियर से ऐसे बात कर सकता है, हार्दिक पांड्या मोहम्मद शमी जैसे सीनियर से ऐसे बात कर सकता है, तो हार्दिक पांड्या कुछ भी कर सकता है, बदतमीज़ है हार्दिक पांड्या। तो ये कुछ सिचुएशन रही और यही पर्सनल मतलब यही एक सटीक रीज़न माना जा रहा है जिस वजह से हार्दिक की कप्तानी और उप कप्तानी दोनों चली गई। अब आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि हार्दिक पांड्या, अगर ये तिलक वाला एपिसोड इनका नहीं हुआ होता तो शायद हार्दिक पांड्या के हाथ में आज टीम इंडिया की कमान होती, क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।